हेलो फ्रेंड्स, आपके क्विक एंड ईजी चैनल में मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर एक कॉफ़ी पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। अब कॉफ़ी पेंटिंग में बात हो रही है कॉफ़ी की, तो हम कॉफ़ी की मदद से बनाएंगे ये पेंटिंग। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल में एक चम्मच कॉफ़ी, एक छोटा चम्मच कॉफ़ी ली हुई है, और यहाँ पर भी मैंने एक छोटा चम्मच कॉफ़ी ली हुई है। तो आइए अब हम इससे बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी कॉफ़ी पेंटिंग। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक दोनों में एक एक चम्मच कॉफ़ी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आधा चम्मच, देखिए आधा चम्मच के लगभग, ये है मेरा आधा चम्मच, तो आधा चम्मच के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, जितना मैंने इसमें लिया है इससे थोड़ा सा कम, देखिए आधा चम्मच से कम है ये, तो आधा चम्मच से कम मैं ये दूसरे बोल में डाल रही हूँ। तो अब हमें इन्हें मिक्स करना है। तो जिसमें हमने थोड़ा सा कम पानी डाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा कलर आएगा उससे, और जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है उससे हम थोड़ा सा लाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे उसमें। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और इसे भी, अब मैं आपको ये कलर यूज़ करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। जहाँ पर हमने लाइट शेड डाला है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है वो थोड़ा सा लाइट शेड आएगा। और ये मेरी ड्राइंग बुक है, इसके पीछे मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसके शेड्स। तो ये देखिए, ये जो है जो थोड़ा सा डार्क है उसका शेड ये है, आप चाहें तो इससे भी डार्क उसे ले सकते हैं। ये देखिए ये डार्क है, और लाइट हमें चाहिए, तो देखिए ये लाइट है हमारा। तो इस तरीके से हम डार्क और लाइट शेड का यूज़ करते हुए हम अपनी पेंटिंग बनाएंगे। तो इसमें सिर्फ यही कॉफ़ी पाउडर ही यूज़ होगा और कोई दूसरे कलर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग बुक ले लेते हैं, और ड्राइंग बुक में देखिए यहाँ पर मैंने एक जो कलर है, मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मेरी ड्राइंग बुक है इसमें मैंने ये एक स्केच बनाया हुआ है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्केच बनाया हुआ है। तो हमें सबसे पहले कोई भी चाहे तो हम वैसे बिना स्केच के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड पेंटिंग करके, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर स्केच बना लें तो आपको फ़र्स्ट टाइम है तो आपको बनाने में इजी होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्केच बना करके दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया हुआ है पेंसिल की मदद से। अब हम इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, तो उसे हम सबसे पहले जो पेंटिंग है हमारी उसका आउटलाइन जो भी है उसे हम कॉफ़ी पाउडर जो डार्क कलर है उसकी मदद से हम उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कैप है, मैंने यहाँ पर एक लड़का ड्रॉ किया हुआ है, मतलब एक तरह की पेंटिंग की तरह है ये, पूरा बॉय भी नहीं है। और हमें पहले इसके पूरे स्केच बनाने हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना पूरा स्केच बनाते जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक लड़का ड्रॉ किया हुआ है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसके आउटलाइंस बनाने हैं, तो हम वही कर रहे हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप
हर बार ऐसा होता है जब हम कलरफुल पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें हमारे पास कलर्स की हमें दिक्कत हो जाती है कि हमारे पास कलर नहीं है, और इस तरीके का फिर हम जो हमारा मूड है हम उसे भी अपसेट कर लेते हैं कि अब जब पेंटिंग करने का मन है तब हमारे पास कभी कोई कलर कम है, कोई कलर कम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छी लगती है इसकी पेंटिंग्स। मैं आपको सामने बना करके दिखा रही हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो इसमें कोई सीनरी है, कोई पोर्ट्रेट है, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें फ्री हैंड कर सकते हैं इसको, आपको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो कलर है लाइट डार्क उसका यूज़ करके आप बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग एक बना सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पेंटिंग बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्केच इसका पूरा बना लिया है। अब हमें इसे फिल करना है, तो फिल करने के लिए मैं लाइट कलर वाली कॉफ़ी का यूज़ करूँगी। तो लाइट कलर वाली कॉफ़ी का यूज़ हमें करना है, तो हम इसे फिल करते जाते हैं। देखिए आप, इस तरीके से मुझे इसे कलर करना है, ये पूरा एरिया मैं कलर कर दूँगी। सारी जो पेंटिंग्स होती हैं सबका अपना अलग अलग वो होता है। मैंने यहाँ पर फेस लिया हुआ है, अगर आप कोई सीनरी बनाएंगे तो वो आपको बनाना और भी ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसे कलर करते जाऊंगी। हमें इसे फिल करना है। इसके आजू बाजू का जितना भी बैकग्राउंड है मैं उसे सारा कलर कर दूंगी और सिर्फ उस इंसान को छोड़ूंगी। तो ये थोड़ी सी अलग तरह की पेंटिंग है, किसी भी तरह की पेंटिंग इससे कर सकते हैं। आप कोई भी कार्टून ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सीनरी ड्रॉ कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप एक कॉफ़ी पेंटिंग की मदद से आप वो उसे बना सकते हैं।
पहले हम इसका पूरा बैकग्राउंड ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको पेंटिंग बीच में अच्छी तरह से दिखाई दे सके, और उसके बाद हम इसके अंदर की कोटिंग करेंगे कि कहाँ हमें डार्क कलर चाहिए, कहाँ हमें लाइट कलर चाहिए, कहाँ हमें शेड करना है। मैं इसे इसीलिए पहले साइड का ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पेंटिंग समझ में आ सके। तो जब भी कभी आप कोई ऐसी पेंटिंग ड्रॉ करनी है तो जिसके अंदर आप कलर ना भरें और उसका बैकग्राउंड आप पूरा कलर कर दें, तो आपकी पेंटिंग जो है वो खुद ब खुद क्लियर दिखने लगती है। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैं इसके साइड का सारा बैकग्राउंड ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको इसकी बीच की पेंटिंग जो है वो नज़र आ सके। पेंटिंग इज़ आर्ट, आप इसे बनाइए, आपका बहुत ही अच्छा, बहुत सारे लोगों की हॉबीज़ होती है पेंटिंग करना। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, उनका बस चले तो जब उनको टाइम मिले अपने होमवर्क से तो वो पेंटिंग करने ही बैठ जाएं, और इसमें वो बिज़ी भी रहते हैं और एक एक तरह का क्रिएटिव वर्क भी वो करते हैं। तो उन्हें कभी भी पेंटिंग करने से मत रोकिए, स्कूल का काम कर लें जब वो, और वो अगर पेंटिंग करना चाहें तो उन्हें ज़रूर करने दें। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर की डिटेलिंग कर रही हूँ लाइट कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको खुद ब खुद आपकी ये जो हमारी जो पेंटिंग है वो आपको दिखने लगेगी। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से आप ये काम कीजिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ छोटे छोटे पोर्शन हैं उसे भरने के लिए बहुत ही बारीकी से और बारीक ब्रश का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आप उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
अब हम इन्हें पूरा साइड का टेक्सचर दे देते हैं कि इस तरीके का आपको लगे कि ये पूरी पेंटिंग साइड हुई है। तो हमें इस तरह हम इसे इस तरीके का किनारे का शेड दे देते हैं, क्योंकि जब ये पेंटिंग सूखेगी तो इसमें इसी तरह का टेक्सचर नज़र आएगा। तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग लगभग। अब मैं आपको इसे ऊपर से दिखाती हूँ सामने से कि कैसी लग रही है। देखिए ये है हमारी पेंटिंग और ये है हमारी कॉफ़ी पेंटिंग। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी, और अगर कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस कॉफ़ी पेंटिंग का मज़ा लीजिए और इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।